नमस्कारम, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। अगर आपने देखा है इस चैनल को पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके मेरे चैनल के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, जो कि है शतावरी जड़ी बूटी के बारे में। हर एक जड़ी बूटी का नाम रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ये आप सब और हम सब जानते हैं कि अपने इंडिया में अगर किसी भी चीज़ का नामकरण करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं, क्योंकि नाम के पीछे सब कुछ छिपा रहता है। तो उसी प्रकार इस जड़ी बूटी का नाम भी इसीलिए शतावरी रखा है, क्योंकि ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों की प्रॉब्लम का एक जड़ी बूटी होती है। और ये खास तौर पे फीमेल्स मतलब महिलाओं या फिर लड़कियों की प्रॉब्लम के लिए खास तौर से ये जानी मानी ये जड़ी बूटी होती है। तो फीमेल की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। उसकी वजह से उन्हें सभी प्रकार की बीमारियां इनविटेशन देने लग जाती है और हो भी जाती है। तो हमें अपने हॉर्मोन्स का बैलेंस करना चाहिए, और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होने से हमको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। किसी किसी को पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, किसी किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन हो जाती है, और किसी के बाल झड़ जाते हैं। तो ये जड़ी बूटी को कैसे खाना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, और ये जड़ी बूटी की तासीर क्या होती है, तो ये सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे यदि आपके मन में भी है। तो पहली बात तो ये है कि इसे काफ़ी ज़्यादा नामों से जाना जाता है, पर मोस्टली इसे शतावर कहते हैं या शतावरी कहते हैं। सेकेंड बात ये आती है कि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। यदि आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें सूट नहीं होती है तो इसे अलग तरीके से लेना चाहिए। अब सेकेंड बात ये आती है कि हमें किस समय लेना चाहिए। देखो, हर एक जड़ी बूटी को अगर हम खाली पेट लेते हैं तो उसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है और जल्दी देखने को मिल जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हर किसी को खाली पेट चीज़ें सूट नहीं होती है, फिर चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हेल्दी क्यों ना हो। तो फिर उसका दूसरा मेथड ये आती है कि हमें शाम को लेना चाहिए। जैसे हम खाना वगैरह खा लेते हैं, 2-3 बजे हमारा लंच हो जाता है, तो उसके 2-3 घंटे बाद शाम को लोग चाय पीते हैं जो कि अनहेल्दी होती है। तो उस टाइम पे हमें हमारी वो जड़ी बूटियाँ कंज्यूम करना चाहिए जो हम खाली पेट नहीं ले सकते हैं। तो ये जो शतावर होती है इसको किन किन रूपों से लिया जा सकता है। तो पहला तरीका होता है, इसे या तो आप टेबलेट के रूप में लीजिए या पाउडर के रूप में लीजिए, या फिर ये एक रस के रूप में भी आता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है या पाउडर में ले लेना चाहिए या फिर टैबलेट में। टैबलेट उनके लिए सूटेबल होगा जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो पाउडर का तरीका क्या होता है और पाउडर को किसके साथ लेना चाहिए। पाउडर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं, या पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसे गुड़ के साथ ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो तरीका बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ दूध के साथ मतलब मिल्क के साथ। तो क्या करना होगा, दूध लेना है और उसमें उसी क्वांटिटी में पानी ऐड कर देना है, और फिर उसमें आपको डाल देना होगा 1 पिंच यानी कि 1 टी स्पून शतावर का पाउडर। और इसे दूध को इतना ज़्यादा उबालना है कि पानी भाप बन के उड़ जाए और सिर्फ दूध दिखाई दे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि पानी की क्वांटिटी उतनी होना चाहिए जितनी हमने दूध लिया है, क्योंकि उबलने के बाद पानी सारा भाप में उड़ जाएगा और ये जो जड़ी बूटी जो पाउडर है शतावर, ये बिल्कुल नरम हो जाएगी दूध में, और फिर इसको कंज्यूम कर लेना है। अब बात आती है इसके बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट बेनिफिट ये होता है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है जो कि रिसर्च में भी पाया गया है, कि शतावर चूर्ण लेते हैं तो इससे हमारे चश्मा उतर जाता है, जिन्हें चश्मा लगा हुआ नंबर का। बस ये है कि इसे कंटिन्यू रखना रहता है, सही क्वांटिटी में लेना रहता है, सही चीज़ों के साथ लेना रहता है, तो हमें ये चीज़ें फ़ायदा करती जड़ी बूटी। अदरवाइज हमें इसे अगर हम इसे हल्का फुल्का ले के तरीके से लेंगे ना तो फायदा नहीं होगा, फिर हम यही बोलेंगे कि हमने तो ये जड़ी बूटियां ली पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि इससे हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। अगर हॉर्मोन्स जिसका बैलेंस हो जाता है ना, उन्हें कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर चाहे वो पिंपल्स हो, फिर चाहे जिनका वेट कम हो गया हाइट के हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तीसरी चीज ये आती है कि जिनकी हाइट नहीं बढ़ती वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। थर्ड बेनिफिट ये आता है कि जिन्हें बुखार आता है बार बार बिना किसी वजह से बुखार आ जाता है, तो उन्हें भी ये वाला चूर्ण लेना चाहिए, मतलब कि शतावर का चूर्ण कंज्यूम करना चाहिए मिल्क के साथ। जैसा मैंने आपको मिल्क के साथ प्रोसेस बताई थी, उसी प्रकार से आप इसे पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं यदि मिल्क किसी को सूट नहीं होता है तो। फोर्थ बेनिफिट ये आता है कि यदि हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमें पिंपल्स हो रही है, काफी ज्यादा हमारा चेहरा मुरझाया सा लगता है, गाल एकदम बाहर नहीं है, पिचके हुए गाल है, तो हमें इस जड़ी बूटी का जरूर कंजप्शन करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारी ये जो जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है।
और स्किन की प्रॉब्लम 90% हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से ही होती है। फिफ्थ बेनिफिट ये आता है, वैसे तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कॉमन बेनिफिट्स बताए हैं, इसे तो बताया है कि 100 प्रकार की बीमारियों को ये सॉल्व कर सकती है, तो आप मैंने तो आपको अभी वीडियो में सिर्फ चार पाँच बेनिफिट ही बताए, और भी ज़्यादा बेनिफिट है यदि आप लेना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही फील होने लग जाएगा। फिफ्थ बेनिफिट है जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने की चांसेस 90-99% कम हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हें हल्का सा भी मौसम का बदलना होता है ना तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो यदि इम्यूनिटी अगर मजबूत होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी ना, तो हमें कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कफ एंड कोल्ड में काफी ज्यादा हेल्प करती है ये, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसमें। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है। देखो हर एक जड़ी बूटी का अपना अपना एक स्वाद होता है, तो इसका स्वाद होता है थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा हल्का सा कड़वा होता है, पर जब हम लेने जाते हैं ना तो ना ही इसका कड़वा स्वाद। और बात करते हैं कि कौन से दोषों को ये बैलेंस करता है, तो ये बैलेंस करती है पित्त दोष, जिन्हें पित्त दोष बढ़ा हुआ है, पित्त दोष हीट बढ़ी हुई रहती है जिनकी बॉडी में, तो उन्हें पित्त बढ़ जाता है, और पित्त के बढ़ने से ही हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, पिंपल्स होना, बालों का झड़ना, या चेहरा मुरझाया हुआ लगना, या चेहरे पे बिल्कुल सूखापन दिखना, चेहरा बिल्कुल ड्राई दिखता है, ऑयल दिखता ही नहीं चेहरे पे, नेचुरल ऑयल, तो ये पित्त के बढ़ने से होता है, यानी कि हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट हो जाती है, इस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमें शतावर का चूर्ण लेना चाहिए जिससे हमारा पित्त बैलेंस होता है। शतावरी को पहचानने का तरीका कैसा होता है, इसे कैसे हम पहचानेंगे कि शतावर वाली है। शतावरी एक पेड़ होता है और उसमें से उसकी जो जड़ रहती है उसी जड़ का महत्व होता है, उसी जड़ को हम कंज्यूम करते हैं। तो अब मार्केट में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है, अगर हम लेने जाएंगे तो हमें कैसे पहचान पाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में आपको बताया कि कुछ इस तरीके की इसकी जो जड़ होती है और सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तब जाके इसे मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं। तो इसे पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट मिक्सर में नहीं ग्राइंड करना है, नहीं तो मिक्सर खराब हो सकता है। तो इसे सबसे पहले अपने बड़े वाले खलबत्ते में पहले इसे मोटा मोटा सा कूट लेना है, या तो आप अपने छोटे से खलबत्ते में भी कर सकते हैं एक एक डंडी आपके पास जो भी हो, या फिर आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में भी खरीद सकते हैं, पाउडर रेडीमेड मिलता है, पर मैं आपको घर पे बता रही हूँ उसका तरीका, क्योंकि मार्केट के पाउडर में काफ़ी ज़्यादा मिलावट हो सकती है, मिट्टी वगैरह धूल सब कुछ मिला हुआ रहता है। यदि हम इसे घर पे बनाएंगे तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान में रख के बनाते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसे आप कैसे पहचानोगे यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं। इसकी जड़ भी आसानी से ऑनलाइन में भी मिल जाती है और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती है, मैं आपको इसकी परचेस लिंक प्रोवाइड कर दूंगी यदि आप देखना चाहते हैं प्राइस वगैरह। तो इसकी को लेना है पहले खलबत्ते में मोटा सा कूट लेना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, मतलब जो चटनी का जार होता है उसमें डाल देना है इसे मोटे मोटे टुकड़े इसके इस शतावर जड़े के, और इसे 2-3 बार चला लेना है राउंड में चाहे, फिर इसके बाद जो इसका पाउडर बन जाता है, यदि बारीक नहीं हुआ है तो इसे छानना है, यदि बारीक हो गया है तो इसे आप किसी भी एक एयर टाइट बॉक्स में इसे भर के रख लेना है, शतावर पाउडर को या चूर्ण को। नेम टैग कर दिया है ताकि मैं पहचान सकूं कि, तो ये था इसे बनाने का तरीका। मार्केट की रेडीमेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मिलावट होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मार्केट से ज़्यादा घर पे चीज़ें बनाने की कोशिश करना चाहिए। अब एक और पॉइंट दिमाग में और आएगा कि इसकी कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। देखो हर जड़ी बूटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यदि हम उसे सही तरीके से, सही चीज़ों के साथ और सही अमाउंट में अगर लेते हैं तो। यदि हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कर देते हैं ना, तो फिर उसका हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये शतावर जड़ी बूटी थोड़ी सी हैवी प्रवृत्ति की होती है, थोड़ी सी यदि दिन में घूमना फिरना ज़्यादा है तो आपको ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा यदि आपका बैठे बैठे काम है, इसलिए हमें इस जड़ी बूटी को एक पिंच से शुरुआत करना चाहिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कि सबके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि शतावरी को क्या साल भर ले सकते हैं या फिर कोई इसे गिने चुने मौसम में लेना चाहिए, क्योंकि ठंडी तासीर का होता है। फर्स्ट थिंग तो ये पता होना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा है या फिर कोल्ड ज़्यादा है। यदि आपको ज़्यादा हीट पित्त वाली तासीर है तो हम इसे साल भर आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। यदि हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा नहीं है, कोल्ड मतलब ठंडी तासीर की है हमारा स्वास्थ्य, जैसे कि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा हमें सर्दी जुकाम होता है, तो हमें ठंड के मौसम में इस जड़ी बूटी को बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, हमें उस फिर इसे हमें कंज्यूम करना होगा गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में और पतझड़ के मौसम में। ठंड के मौसम में हमें नहीं लेना होगा, क्योंकि हमेशा वैसे जैसा देखा जाए तो जब भी हमें पित्त हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमें इस जड़ी बूटी को ज़रूर कंज्यूम कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसे अगर हम दूध के साथ लेते हैं ना तो हमें इसकी ठंडी तासीर का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है, इसके ड्रॉबैक्स का असर नहीं होता है, तो इसीलिए इस जड़ी बूटी दूध के साथ लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेस्ट ऑप्शन होता है बजाय कि पानी के साथ। और यदि आपको ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ें सूट नहीं होती, यदि आप फिर भी
इस शतावरी को कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें फिर इसे गुड़ के साथ लेना चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और शतावरी की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। तो दोनों का जब मिक्सअप या मिश्रण होता है तो हमें किसी का भी ड्रॉबैक्स नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं ठंड के मौसम में भी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।